दोस्तों Amazon, Flipkart या अन्य प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, सेल करते वक्त आप वहां पर प्रोडक्ट को लिस्ट करते समय कैसे प्राइस डालें, क्या प्राइस डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर यदि आप ऑनलाइन सेलर हैं तो। आज का हमारा टॉपिक इसी विषय पर होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं ईकॉम टॉक यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर यदि आप नए सेलर हैं और आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि आप जो भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं उसको क्या प्राइस देना है, वहां पर उस प्रोडक्ट की कैलकुलेट कैसे निकालते हैं, तो आपको इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए हम आपको अपने बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसे ऑनलाइन किस प्राइस पे लिस्ट करेंगे। तो मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि मुझे ऑनलाइन सेल करना है और इसकी कीमत 200 रुपीज यानी 200 रुपए है। मैंने यहाँ पे 200 रुपए लिख दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी प्रोडक्ट है उस पर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार GST लगता है। अब आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसमें आपका GST क्या है, क्या GST लगने वाला है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर भी GST ऐड करना है। मैं जो प्रोडक्ट सेल करता हूँ उसमें 5% GST लगता है, तो 5% के अनुसार यहाँ पर GST का जो प्राइस जाएगा 10 रुपए मेरा यहाँ पर GST चार्जेस लग रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पैकेजिंग मटेरियल की कि आप उस प्रोडक्ट को पैक करने में कितना पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर रोल का भी इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर मैं स्टिकी पॉली का भी इस्तेमाल करता हूँ और कोरियर बैग का भी इस्तेमाल करता हूँ, जिसका कुल कॉस्ट मिला करके 20 से 25 रुपीज के लगभग चला जाता है। पैकेजिंग मटेरियल का मैं यहाँ पर 25 रुपीज ऐड करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर यदि आप खुद अपना प्रोडक्ट शिप करते हैं किसी कोरियर कंपनी से, आपका अगर यदि टाई अप है तो वहां पर आपको 50 से 70 रुपए यानी कि 50 to 70 रुपीज के लगभग आपको शिपिंग चार्जेस देने होते हैं। अब यहाँ पर अगर यदि आप बात करते हैं तो आपको अलग अलग चार्जेस पे करने होते हैं। आपको लोकल एरिया में अलग चार्जेस लगते हैं, स्टेट लेवल पर अलग और नेशनल लेवल पर अलग। लेकिन मानकर चलिए आपको टोटल चार्जेस जो है 70 से 90 रुपीज के लगभग आपको देने होते हैं। तो यहाँ पर हम शिपिंग चार्ज जो है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 90 रुपीज। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की वैल्यू देख ली है, GST इसका देख लिया है और पैकेजिंग मटेरियल पे हमें कितना खर्च हुआ है और यहाँ पर हमने शिपिंग कॉस्ट देख लिया है। पैकेजिंग मटेरियल में जो हम टेप वगैरह यूज करते हैं, लेबल प्रिंट करते हैं, उन सभी का कॉस्ट मिला करके हमने यहाँ पे 25 रुपीज ऐड किया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आप जिस प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट, तो वो पोर्टल आपसे क्या कमीशन ले रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर Amazon में अगर यदि सेल करता हूँ तो वहाँ पर Amazon अपना 20% चार्ज करता है कमीशन के तौर पर। तो मैं यहाँ पर 20% कमीशन की बात करूँ तो यहाँ पर 40 रुपए मेरा Amazon मुझसे चार्ज करेगा। अब यहाँ पर हम इन सभी का कैलकुलेट करते हैं। तो जो मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू अभी निकल कर आई है वो 365 रुपीज की आई है। अभी इस प्राइस पर मुझे किसी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। अब जो भी प्रॉफिट मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा प्लस में अपना। अगर यदि मैं इसमें 50 रुपए या 100 रुपीज या 200, 500 जो भी अब मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं यहाँ पर उसे ऐड कर दूंगा। अब इस प्रोडक्ट पर मैं चाहता हूँ मुझे 150 रुपीज का प्रॉफिट हो, तो मैं यहाँ पर 150 रुपीज ऐड कर देता हूँ। अब आप चाहते हैं कि 200 रुपीज का प्रॉफिट हो तो आप यहाँ पर 200 रुपीज प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 150 ना करके 200 ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमने अपना प्रॉफिट ऐड किया है 200 रुपीज, ये हमारा प्रॉफिट है। लेकिन अभी फाइनल प्रॉफिट नहीं है, अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो हम इसे यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। अब हमारे इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो जो हम ऑनलाइन लिस्टिंग करेंगे अपने 200 रुपीज प्रॉफिट करके, तो वहां पर हमें लिस्ट करना होगा 565 रुपीज, क्योंकि हमें ये सब चार्जेस भी यहाँ पर ऐड करने होते हैं। तो इन सभी चार्जेस को ऐड करने के बाद हमने अपना 200 रुपए का बस मार्जिन निकाला है और यहाँ पर हमारी जो लिस्टिंग प्रोडक्ट वैल्यू जो जा रही है वो जा रही है 565 रुपीज की। तो जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ लिस्ट करेंगे तो वहां पर इसी प्रकार से आपको लिस्टिंग करते समय प्राइस डालना होगा कि आप वहां पर क्या प्राइस रखना चाहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप यहाँ पर हमेशा लॉस में जाएंगे। आपने कोई
अभी प्रोडक्ट लाया 200 रुपीज का और आपने 100 रुपीज प्रॉफिट करके आपने 300 रुपीज उसमें ऐड कर दिया, आपने सारे चार्जेस वहां पर ऐड नहीं किए, तो आपको यहां पर शिपिंग चार्जेस भी खुद देना पड़ेगा, पैकिंग चार्जेस और यहां पर कमीशन चार्जेस खुद उसमें से ही जाएगा 100 रुपीज में, जो कि आपका प्रॉफिट जो है वो माइनस में जाएगा, तो यहां पर आप बहुत लॉस में जाएंगे। अब हमने यहां पर अपना 200 रुपीज प्रॉफिट जोड़ा हुआ था, अब यहाँ पर आप इसे फाइनल प्रॉफिट नहीं मान सकते। वो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आप 20% किसी भी प्लेटफॉर्म में 20% रिटर्न मान के चलिए आना ही आना है, 20 से 25% वहां पर रिटर्न हमेशा आते ही है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू निकल कर आई थी 565 रुपीज निकल कर आई थी, और जो कि हमने अपना प्रॉफिट वहां पर 200 ऐड किया था, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर प्लेटफॉर्म में 20 से 25% रिटर्न्स आना काफी कंपलसरी है, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो आप यहाँ पर अगर यदि मानकर चलिए 200 रुपए का मार्जिन लेकर के चलते हैं और आपने इसमें 100 प्रोडक्ट को सेल किया है, तो 100 प्रोडक्ट में से आपने कितना अर्न किया है, 20,000 रुपए आपने यहाँ पर कमाए हैं, 20,000 रुपए आपने कमाए हैं। तो 20% आप इसका माइनस कर लीजिए कि 20% जो प्रोडक्ट्स रिटर्न आते हैं, तो उसमें हमने कॉस्टिंग क्या जोड़ी थी, 90 रुपीज हमने आपका प्रोडक्ट शिपिंग चार्जेस जोड़े थे, तो 90 रुपीज के हिसाब से हम उसका 20% शिपिंग चार्जेस माइनस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 20 प्रोडक्ट्स अगर रिटर्न आ रहे हैं 90 के हिसाब से, तो यहाँ पर जो हमको लॉस होने वाला है 1,800 रुपए का हमको यहाँ पर लॉस होने वाला है। अब यहाँ पर इस 20,000 रुपए में से आपको 1,800 रुपए माइनस कर देना है, बाकी का अमाउंट जो है वो आपका प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि 18,200 रुपए यहाँ पर आपके प्रॉफिट हैं जब आप 100 यूनिट सेल करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल ली थी और यहाँ पर हमने अपना 200 रुपीज प्रॉफिट निकाल लिया था। अब यहाँ पर हमने 100 प्रोडक्ट जो है सेल किए, 100 यूनिट, 200 रुपए प्रॉफिट के हिसाब से हमने 20,000 रुपए का यहाँ पर अपना प्रॉफिट लिया है। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया 20% यहाँ पर रिटर्न्स के प्रोडक्ट से चांसेस होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 20% 90 रुपए मैंने शिपिंग कॉस्ट चार्जेस लिया था, तो 90 रुपए के हिसाब से 20% में यहाँ पर अगर निकालता हूँ तो 1,800 रुपए का हमको यहाँ पर लॉस होना है। अब यहाँ पर 20,000 रुपए में से हमने 1,800 रुपए माइनस किया, तो 18,200 रुपए का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। बात करते हैं रिटर्न प्रोडक्ट पर होने वाले पैकेजिंग मटेरियल लॉस के बारे में, तो यहाँ पर हमने 25 रुपए पर पैकेजिंग के हिसाब से हमने इसका रेट लिया था। 20% अगर यदि हम इसका लेते हैं तो यहाँ पर हमें 500 रुपए का नुकसान होता है पैकेजिंग मटेरियल में 100 यूनिट पर। अब यहाँ पर हमको जो प्रॉफिट हुआ था 18,200 का, इसमें से हम पैकेजिंग मटेरियल पे जो हमें लॉस हुआ है 500 रुपए का, हम उसे माइनस करते हैं, तो अब हमारा फाइनल प्रॉफिट वह निकल कर आ जाता है 17,700, मतलब 17,700 रुपीज, इतना हमको प्रॉफिट हुआ है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करने के बाद आपको कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है कोई भी प्लेटफॉर्म में। अब आप देखेंगे कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेज़न में, जो आपका प्रोडक्ट निकल के रेडी हो रहा है यहाँ पर, उसका अमाउंट आपको उससे भी सस्ते दाम में अमेज़न या अन्य प्लेटफॉर्म पर सेल हो रहे हैं वो प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले से ही। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ऑर्डर तो मिलेंगे, ऐसी बात नहीं ऑर्डर नहीं मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे, हालांकि आप महंगा भी सेल कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको ऑर्डर मिलेंगे, भले ही कम ऑर्डर मिले। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बल्क में कोई भी प्रोडक्ट को लीजिए। बल्क में होता है कि बल्क में जो प्रोडक्ट है वो काफी सस्ते में मिल जाते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको बल्क में प्रोडक्ट कहां से मिलेंगे, कोई भी आप प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप बल्क में सस्ते में कहां से ले सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से बिड कर सके कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। फिलहाल आज की वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में, मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।